चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं, जो अगेन एक काफी भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है। जब हम धुबरी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता, और जैसे अभी हमने कहा भी कि हिमंत बिस्व शर्मा यहाँ के चीफ ने, वो कह भी रहे थे कि भाई अजमल जी आपको शादी करनी तो जल्दी कर लीजिए, बाद में नहीं कर पाएंगे तो यूसीसी आ जाएगा। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, यूसीसी को लेकर के धुबरी की आम जनता क्या सोचती है? क्या फ़ायदा होगा आप बताइए? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ले आएगा तो हेमंत को क्या फ़ायदा है इसमें, आप बताइए क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है उसमें? कोई डेवलप होगा? किसी का कोई डेवलपमेंट आएगा? अरे हम लोग का अपना धर्म है, और ये इंडिया जब से स्वाधीन नहीं हुआ तब से ये चल रहा है। वी हैव आवर ओन लॉस, मुस्लिम पर्सनल लॉ है कि नहीं? तो उसमें उसका दिक्कत क्या है? पहले बात इसको समझाना चाहिए ना। पर वो कहते हैं कि जैसे ऐसे कुरीतियां हैं, बहुविवाह और इस तरह की, नहीं इसमें ये तो नहीं है, अभी नहीं है। ये जो पहले था वो सब अब नहीं है। अभी जो 18 साल का बाद वो ठीक है, वो ठीक किया तो वो बंद हो गया। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ले आएगा तो इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों का मतलब, मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन भी जानना चाहता हूं, और इन जनरल जो लोगों की राय है धुबरी में यूसीसी को लेके, वो क्या सोचते हैं? क्या वो इसे एक रिफॉर्म की तरह देखते हैं, या एक एनक्रोचमेंट ऑन राइट्स की तरह देखते हैं, या एक जैसा बीजेपी लगातार कह रही है कि ये समाज सुधार की बात है, इसके अंदर इसमें महिलाओं के अधिकार की बात है, है ना, इक्वल राइट्स की बात है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात है, इन सारी चीज़ों को लेकर के धुबरी में आम लोग क्या सोचते हैं, और आप अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वर्ड जो है यूनिफॉर्म, कि सबके लिए एक कानून होगा, तो इसमें से ट्राइबल्स जो है उसको एक्सक्लूड करने का कोई तरीका ही नहीं बचा। अगर यूनिफॉर्म है तो नाम दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन ट्राइबल्स को इससे हटा दिया, क्योंकि दंगा होगा, मतलब वो प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए वो इस मतलब ट्राइबल्स को हटा दिया। लेकिन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया, क्योंकि इसमें बेनिफिट है, उसका वोट मिलेगा इसमें। जो वोटर्स है, मतलब जो वोटर्स उस दल के हैं, वो वोट्स उसको देंगे, क्योंकि मुस्लिम का मतलब वायलेशन होगा राइट का। ये तो राइट है ना, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्रैक्टिस वंस ओन रिलीजन है। इसमें मतलब रिलीजन अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया ना हमारा। तो मेरा राय यही है। आपकी क्या राय है सर यूसीसी के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में? जी देखिए, समान नागरिक जो ये लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, विवाद होना ठीक नहीं है। बाल विवाह जो कहते हैं वो अभी नहीं था, 40 साल पहले सब था। कब से सर रहते हैं धुबरी में? यहाँ क्या नाम हुआ आपका? मुकेश ठाकुर हुआ। अच्छा, क्या करते हैं? मैं 92 से रहता हूँ, नाई हूँ, बालवड़ काम करता हूँ। मेरा दादाजी थे, पिताजी गए, मैं यहाँ का रेसिडेंट है, मेरा भी NRC यहीं का है, सब मेरा ही है। अच्छा, आपका भी बना है NRC? जी जी जी, मेरा भी यहाँ का यहीं का है जी। मेरा जन्म कर्म गोलागंज समस्तीपुर में था, धुबरी में मैं 92 में यहाँ पे आए थे। तो ये जो बता रहे हैं ये लोग सही बता रहे हैं, समझे ना, गलत नहीं बता रहे हैं। विशेष नहीं बोलेंगे, इसलिए हमको दिक्कत है थोड़ा गर्दन का, बैठा हुआ है, सर्दी है, खांसी है, इसका बहुत दिक्कत होता है बोलने में। एक छोटी सी बात जो आप वहाँ कह रहे थे कैमरे से बाहर, आप महंगाई को लेकर कुछ कह रहे थे। बहुत महंगाई है, महंगाई तो बहुत बढ़ गया है, बहुत महंगाई बढ़ा है। और 5 किलो चावल देते हैं उस पर तो संसार ना चलेगा, महंगाई बहुत है। जितने पब्लिक है सबके बिजी कर रखा हुआ है, वो अपने जो है काम, मोदी जी सारे काम कर रहे हैं, सब पब्लिक के बिजी कर रखे हुए हैं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा ना है हिंदूवादी है तो हम, मैं हिंदू हूँ, मेरा घर दे, नौकरी दे, तब ना पूछेंगे जब मैं हिंदूवादी हूँ, हम हिंदू है, अब मुसलमान को नहीं दिए, हमको दिए, तब ना हम सपोर्ट करेंगे किसी को? सपोर्ट कब करता है? इधर ये हिंदू है, मुस्लिम है, ख्रिस्टान है, एक जगह पर हर जात रहना चाहिए, वो समाज बहुत बढ़िया रहता है। जाति पाते करेगा तो अच्छा नहीं हुआ। मैं हिंदू है तो हमको घर दे, सर्विस दे बच्चों को, तब सोचेंगे जना मेरा पार्टी बढ़िया है, मैं पार्टी के लिए मरूंगा। हम तो आज तो नहीं है ना, कांग्रेस सरकार था उस टाइम में भी बहुत अच्छा था, उसी टाइम में बहुत अच्छा था।